तरह करें आप, कोई इशू नहीं है, मुझे भी ऐड कर लेना, कोई क्यूरी होगी मैं पक्का बताऊँगा आपको, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है ना, एक्स्ट्रा कुछ पार्क मुझे मिलेगा तुम्हारे पास, आई एम नॉट हियर फॉर दैट, आई एम जस्ट सेइंग फॉर दैट, ठीक है, आपका ही फायदा है, आप लोग कुछ सीख के जाएंगे कल को, तो हो सकता है मुझे भी याद कर लो कभी कभी, कोशिश करो जरूर हासिल करना, बाकी थ्योरी सब निकाल लोगे ना, ठीक है। तो कैटलॉगिंग तो ये था, क्लासिफिकेशन में 19 स्कीम है, देखो DDC जैसे उन्होंने बताया डिफरेंट स्कीम्स होती है क्लासिफिकेशन की, मोस्ट पॉपुलर ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, मेलबर्न ड्यूए ने इसको दिया था, ठीक है, ये तीन वॉल्यूम्स पे 19 एडिशन, अभी रिसेंटली जो एडिशन है वो 23rd एडिशन है, जिसके चार वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट वॉल्यूम में जैसे इसमें देखो 19 एडिशन में सबसे पहले है नंबर वन इंट्रोडक्शन और टेबल, इंट्रोडक्शन इस एडीसी के बारे में, और टेबल्स दिए हैं, टेबल्स कॉमन टेबल्स, कॉमन टेबल्स जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अटैच किए जा सकते हो, जैसे कोई रेशनल एथनिक ग्रुप्स हैं, कोई भी ग्रुप्स हैं वो अटैच किए जा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं जर्नल्स, तो सब टेबल्स में आते हैं, एरिया एरिया यानी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी कंट्री किसी भी टाइटल के साथ हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो इंडिया जो हो गया टेबल्स पे कॉमन टेबल, कॉमन आइसोलेट हो गया, कॉमन चीज़ें जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ ऐड हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान में भी हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम इन चाइना में भी हो सकता है, तो मेन टाइटल क्या है सोशल प्रॉब्लम, और जो ज्योग्राफिकल एरिया हो गया वो कॉमन चीज़ हो गया टेबल्स हो, तो टेबल इसके लिए एलिजिबल है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में टेबल्स है, सेकेंड में आपका ये है शेड्यूल्स, शेड्यूल्स क्या होते हैं जो क्लासिफिकेशन नंबर है, पूरे पूरे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया, जो कि मैंने आपको बताया था 10 मेन क्लासेस है, ये याद करना, और इन 10 मेन क्लासेस के 100 डिविजन्स है सब डिविजन्स, उनको जरूर याद करना थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी आपके, थैंक यू। तो मेलबर्न डिवीजन ने पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, 10 मेन क्लास में, सॉरी क्या है 000 से लेकर 200, 300, 400, 500, 600, 900 तक। क्या 000 इज फॉर जर्नलिया जनरल सब्जेक्ट, कैसे लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर साइंस ये सब चीजें इसमें, 100 फॉर फिलोसफी, फिलोसफी साइकोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट, 200 रिलीजन, रिलीजन कौन से, सोशियोलॉजी, कौन कौन से, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब इसमें, हिस्ट्री हाँ ज्योग्राफी, ठीक है, 400 प्योर साइंस, प्योर साइंस, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस वही डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, 500 प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, प्योर साइंस यानी प्योर जो साइंस ही है, प्योर सब्जेक्ट्स हैं क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है, प्योर, और 600 अप्लाइड साइंस, अप्लाइड प्योर साइंस के एप्लीकेशन हो गया डिफरेंट टेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी थी बायोटेक्नोलॉजी बन गया, बायोलॉजी है ना, बायो साइंस बन गया, अप्लाइड एप्लीकेशन हो गया नई सब्जेक्ट का प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, ठीक है।
मेडिसिन इसमें आता है, बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंसेस, ठीक है, 700 आर्ट्स सब चीजें, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, फिल्म्स, सब 800 लिटरेचर, साहित्य, क्या लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री किसी भी चीज की, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी उस पर्टिकुलर कंट्री का भौगोलिक है। क्लियर? तो मैनर डे ने पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के सब्जेक्ट को 10 मेन क्लास में डिवाइड किया। ये तो याद करना ही करना है, इन 10 क्लासेस का सिर्फ फर्दर 10 के डिवीजन, हर क्लास की 100 सब डिवीजन है। ये याद करना है आपको, बहुत आसान है याद करना। 10-10 मतलब सॉरी 100 है, इन सबके 10-10 यानी 100 याद करना, थ्योरी में भी काम आएगा, प्रैक्टिकली भी काम आएगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये शेड्यूल है ना, वो 000 से स्टार्ट होकर के 900 तक है। अब जो 23rd वॉल्यूम है उसमें एक वॉल्यूम और कर दिया, शेड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट जो है 000 से लेके 500 तक कर दिया, और सेकंड पार्ट में 600 से 900 तक। और जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी कैटलॉगिंग में बताया था कि हिस्ट्री पहले क्या था, अब क्या हो गया। पहले हिस्ट्री देखो, इंडियन हिस्ट्री का 930 था, ये था, और अब 23rd एडिशन में 954 हो गए इसमें। तो इसलिए डीडीसी जो है ना, अब ये 19 एडिशन जब आया होगा तब लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे, अब इसके पब्लिकेशन तो मेरे ख्याल से कौन सी ईयर में हुआ है, 1979 में, तब तो बायोटेक्नोलॉजी आया भी नहीं था, नैनो साइंस नहीं आया था, है ना, बहुत सारे कंट्रीज भी नहीं बने थे 1970, तो उनकी भी हिस्ट्री अलग अलग ऐड हुई, इसलिए नंबर चेंज होते रहते हैं, रहेंगे वहीं उसी में 900 में, बस नंबर आगे के थोड़े अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स जैसे आपने डिक्शनरी अपने पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल की होगी, सेम रिलेटिव इंडेक्स सब्जेक्ट वाइज इसमें कीवर्ड्स वही होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। फंडा यही है क्लासिफिकेशन नंबर निकालने के लिए, जिस जो भी टाइटल आपको समझ में आ रहा है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फटाफट उस सब्जेक्ट को माइंड में रख के पहले सबसे पहले रिलेटिव इंडेक्स ही खोलना है एग्जाम में भी। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में अगर 5 टाइटल आएंगे तो लिख के ले लो कि 3 टाइटल रिलेटिव इंडेक्स में रेडीमेड बने बनाए मिल जाएंगे आपको। अगर जो टिपिकल है वो अपनी समझ से आपको पता करना है कि टाइटल किस सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर जो भी सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका नंबर रिलेटिव इंडेक्स से लेकर के निकाल करके फिर आपको शेड्यूल में जाना है, और फिर उस नंबर में जा करके आपको देखना है कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ या नहीं, जो टाइटल में चीज़ें हैं वो इसमें कवर अप हो रही हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके असाइनमेंट में ये है क्लासिफिकेशन के लिए, लेबर लॉ इन इंडिया, लेबर लॉ इन इंडिया क्या है मेन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली लॉ, और फिर लॉ में डिवीजन हो गया लेबर लॉ, इंडिया का तो नंबर जोड़ दो। देखो एरिया का ये याद रखना, अगर वैसे तो इसमें शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जोड़ने के लिए हर नंबर, अगर एरिया का नंबर के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है किसी में और तुम्हें जोड़ना है, मेन सब्जेक्ट निकाल लेना और 09 करके उस स्पेसिफिक कंट्री का नंबर जोड़ देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, लेबर लॉ ऑफ इंडिया वैसे तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए कैसे जोड़ना है, अगर नहीं दिया होता लेबर लॉ का नंबर आपने निकाल लिया
0954 इंडिया का है, 54 नंबर लगाना है, सिर्फ 09 लगाना है, कोई भी ज्योग्राफी का एरिया जोड़ दो, सिंपल फंडा है ज्योग्राफी के नंबर जोड़ने के लिए, किसी भी कंट्री का नंबर जोड़ने के लिए। दिल्ली है, दिल्ली का नंबर जो है 5456 है, सपोज आ गया लेबर लॉ इन दिल्ली, तो लेबर लॉ का जो नंबर निकल के आएगा, और नहीं अगर नहीं दिया इंस्ट्रक्शन में शेड्यूल में तो 095456 ज्योग्राफी का ये 09 करके उसका ज्योग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री का या सिटी का, ठीक है। अब जैसे लेबर लॉ इन इंडिया, अब फॉरेन रिलेटिव इंडेक्स में जाना है और अल्फाबेटिकली अरेंज है, लेबर लॉ में पहुंचो पहले, देखो ये देखो सीधे पहुंच गया, पहले पहुंचे लेबर में, क्या दे रखा है 3.4 अब आप कह रहे हैं ना लॉ में चले जाओगे तो फिर शुरू से आना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेबर लॉ सेम एक सब्जेक्ट है, अगर लॉ में जाएंगे तो 340 से स्टार्ट है, सर लॉ में जाएंगे तो लेबर में जाएंगे, लेबर में गए तो लॉ में, लेबर में आया मेन सब्जेक्ट लॉ ही है, ये ना तो मेन सब्जेक्ट लॉ है, लॉ से भी जाएंगे तब भी मिल जाएगा लेबर, लेकिन थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अब चूंकि मुझे पता था कि लेबर लॉ है तो लेबर लॉ मिल गया, तुम भी ढूंढना है, अगर कोई कीवर्ड समझ में आता है मेन टर्म से तो लेबर लॉ ही ढूंढना, नहीं मिलता तो लॉ से जाना, लॉ में तो मिल जाएगा। तो पहुंचे पूरा नंबर मिला 341.763 मिल गया, हमें क्या मिल गया लेबर लॉ मिल गया, लेकिन क्या है वो टाइटल लेबर लॉ इन इंडिया। अब देखो आप शेड्यूल में जाना है उसको नंबर पे जहां पहुंच गए उसको प्रॉपर देखना है, अगर इंस्ट्रक्शन दी है तो उसको फॉलो करना है, और नहीं दी की तो एज इट इज नंबर लग जाएगा एरिया कोड, अब ये स्टार बना हुआ है इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई, इस कंडीशन को नीचे देखो एड Extended Standard Subdivision 026 as instructed under 341.026 जैसा 341.026 में दे रखा है ऐसे जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये तो कंडीशन दे दी इसने, ये नहीं है, अगर नहीं दी होती तो आप 341.0763 लिख देते, इंडिया का नंबर जोड़ देते 0954, क्लियर। लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन दी रखी है, इंस्ट्रक्शन में अब जब आप आ जाएंगे तो ये कहेगा 341.026 तो सीधे हो गया 026, ये रहा 026, इसकी इंस्ट्रक्शन शुरू से आखिर तक पढ़ लो, इसमें एक लास्ट में ये दे रखा है एड एरियाज, एरियाज यानी एड जोड़ो एरियाज जगह, नोटेशन 4-9 फ्रॉम टेबल टू में, टेबल के जो शेड्यूल है वॉल्यूम है उसमें टेबल टू एरियाज का दे रखा है, उसमें से उस एरिया का नंबर जोड़ो टू द बेस नंबर, बेस नंबर जो भी है यानी बेस नंबर जो है 341 था इसका, और उसके बाद उस एरिया का नंबर जोड़ना है, फिर जीरो लगा करके जो नंबर बाद का है वो आना है, मतलब कह रहे 341 तो बेस नंबर हो गया, फिर डॉट एरिया का नंबर यानी डायरेक्ट 54 इंडिया का नंबर जो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर था क्या था 763, तो 0763 ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अब दिमाग मत घुमाओ अपना, क्लियर होता हूँ कंफ्यूज हो गया, लॉ में सिर्फ ये याद रखना अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री की लॉ है तो जो भी नंबर मिलेगा बेस नंबर जो पहला नंबर होगा डॉट से इधर इधर वाला उसको पूरा लिखने के बाद उस कंट्री का नंबर लिख करके और जो भी नंबर आपको मिल गया जैसे लेबर लॉ का मिला 0736 जोड़ दो 341.54 इंडिया का जोड़ करके
फिर 0763 ये इसका फंडा सर। एक तो लॉ का है ये एरिया को जोड़ने का, और एक ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में जो भी बेस नंबर है, ज्योग्राफी का नंबर है क्लासिफिकेशन नंबर 910, तो उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि 910 के बाद ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी देश से और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। उसके इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि एड टू दी बेस नंबर, बेस नंबर यानी 910.000 से स्टार्ट होकर के जो भी नंबर है 199 तक, वो एलएसटी जोड़ दो। ये ज्योग्राफी का इंस्ट्रक्शन अभी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन याद रखो प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका नंबर क्या मिल गया, 341.540763 लेबर लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब क्या है, सेकंड है न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटीज, सुन लो, न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब आप बताओ कि क्या सब्जेक्ट लगा है, एग्जैक्टली गुड, पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल सही बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या, इंटरनेशनल रिलेशन, गुड आ गया ना, दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी गुड। ये होती है अप्रोच टाइटल से सब्जेक्ट पे जाने के लिए, यानी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में रिलेशनशिप, पहली चीज ये आ गई। लेकिन अब क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट में, न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं उसके लिए जो आपस में जो भी चीज MOU जोड़ रहे, तो बिल्कुल सही पहुंचे पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में जाइए आप, 327 है इसका नंबर, है रिलेटिव इंडेक्स में ही जाना, रिलेटिव इंडेक्स उसमें देखो, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस में है। देखो 327 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और उसमें 327.39 से 9 तक फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन रिलेशंस बिटवीन स्पेसिफिक नेशंस, ये नंबर आपको मिल गया 20, ये 19th एडिशन है इसलिए इसमें ज्यादा स्पेसिफिक नहीं दे रखा। अब जो 23rd एडिशन है उसमें डिसआर्ममेंट्स जो न्यूक्लियर वेपन्स और इनके पे जो समझौता है उसका नंबर भी दे रखा है स्पेसिफिक, क्योंकि 19th एडिशन में नहीं दे रखा, तो आप सीधा 327 पॉइंट इसमें आ जाइए, 0.3 से 0.9। अब इसकी जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है बहुत आसान है, पढ़ लो, एड एरियाज, एरिया जगहों को जोड़ना है, नोटेशन 329 फ्रॉम टेबल 2 टू द बेस नंबर 327। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल भी देते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन में कैसे जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि 327.41 यूनाइटेड किंगडम यूके का नंबर है, तो 327.41 इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब दो कंट्री के बीच में है तो बेस नंबर और उस कंट्री का नंबर और जीरो लगा के सेकंड कंट्री, जैसे ये है इंटरनेशनल, ये वाला है अब 23rd एडिशन में न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है बिटवीन टू स्पेसिफिक नेशंस उसका भी नंबर दे रखा है 327.49 ऐसे करके कुछ दे रखा है, वो भी बताता हूँ मैं क्या
1747 23rd edition है और विस्तृत कर दिया इसको रिलेशनशिप को. एक तो ये कॉमन रिलेशनशिप हो गई बिटवीन इंटरनेशनल कंट्रीज, इसको और कर दिया 327.1747. फिर उसके बाद दोनों कंट्री का इंडिया गया 540, फिर यूएस का 17. तो इसका नंबर जो आपका निकल के आ गया 327.54073 इंटरनेशनल रिलेशन. तो हम क्लास नंबर असाइन में ये लिखेंगे और सेकंड पार्ट में लिखा है एनालिसिस करना है. इधर एक जैसे मैंने आपको बताया लेबर लॉ इन इंडिया तो क्लास नंबर असाइंड, मैंने नंबर क्या दिया आपको 341.54073. ये तो आप यहाँ तक तो हो गया. अब डिजिट बाई डिजिट इंडिया का 347 में 341 कहाँ से आया? 340 से आया. मेन सब्जेक्ट क्या था? लॉ. आप यहाँ देंगे 340 लॉ, फिर 341.73 लेबर लॉ, फिर 54 इंडिया का नंबर है तो फिर जुड़ करके ये नंबर मिल गया. अच्छा. ये सब चीजें आपको डिवाइड करके डिजिट बाय डिजिट ठीक है. ऐसे लिखेंगे 340 लॉ 341 पॉइंट ये 73 जो भी था लेबर लॉ और फिर इंडिया नंबर 54 इंटरनेशनल रिलेशन का नंबर था तो पॉलिटिकल साइंस 327 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक है. एक लास्ट और ले लेते हैं म्यूजियम आर्किटेक्चर. बिल्कुल आर्ट्स का आएगा. आप रिलेटिव इंडेक्स में देखो म्यूजियम आर्किटेक्चर का नंबर बना बनाया मिल जाएगा. म्यूजियम्स में देखो आर्किटेक्चर का नंबर है ठीक है. आर्किटेक्चर में गए 720 में म्यूजियम आर्किटेक्चर ढूंढते रहो देखो मिल जाएगा फॉरन या म्यूजियम बिल्डिंग्स करके मिल जाएगा. ट्रेडिशन की पीडीएफ नहीं है क्या? 7.6 बिल्कुल सही नंबर लिख डाल मिल गया पूरा 727.6. इसमें कोई स्टार एस्केप कोई साइन नहीं दिया है ऐसे छोड़ देना जब कुछ नहीं दे रखा तो इसमें. म्यूजियम आर्किटेक्चर अगर आप रिलेटिव इंडेक्स में सीधे भी जाओगे ना वहां पे भी रेडीमेड मतलब बनाया नंबर मिल जाएगा 727.6. जाकर के रिलेटिव इंडेक्स से चेक कर लिया आर्किटेक्चर म्यूजियम बिल्डिंग सारा दे रखा है जो कि कुछ स्टार और साइन नहीं बना हुआ है कुछ नहीं कंडीशन डायरेक्ट ऐसी नंबर है. ये कंडीशन 7.6 है. यही पर आकर के ये शेड्यूल देखना पड़ेगा. यहाँ पर यू के लिए नहीं मैं अपनी कर रहा हूँ. हाँ ये तो मिल जाएगा आपको. ये होता है एक एक शुरू देंगे ट्रेडिशनल और दो बच्चों ग्रुप बना देंगे. ग्रुप बना दो हमारे 227 का पेपर वो यही होगा नहीं होगा ना यहाँ तो. यहाँ नहीं होगा.